हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेक्ड पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं बेक्ड पास्ता बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। मैंने 250 ग्राम पास्ता लिया है, इसको बॉइल्ड कर लिया है। बॉइल्ड करते समय मैंने इसमें ऑयल और साल्ट को ऐड किया है। मैंने इधर 6 क्यूब्स ली हैं चीज़ की, नॉर्मल प्रोसेस चीज़ क्यूब है। 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मॉयनीज लिया है, 1/2 कप मैंने कैप्सिकम लिया है इसको चॉप्ड कर लिया, 1/2 कप ऑनियन लिया है इसको भी मैंने चॉप्ड कर लिया है, 1/3 कप मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं इसको मैंने बॉइल्ड कर लिया है, मैंने इधर चिली फ्लेक्स लिया है, ऑरिगेनो लिया है और 2 कप मैंने दूध लिया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैंने एक पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और गैस ऑन करी है। अब मैं इसमें पहले ऑनियन डाल लूँगी, इसमें ऑनियन को हल्का सा लाइट पिंक जैसा करना है, पिंकिश कलर आ जाए ऑनियन में। ये ऑनियन सिख चुके हैं, अब मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर दूंगी। स्वीट कॉर्न ऐड कर दूंगी, अब मैं इसको 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूंगी। अब हम इसको खोलेंगे, ये वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गया है। हमको इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस लाइटली करना है। अब हम इसको साइड में करके वाइट सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने इधर बटर लिया था, मैं बटर ऐड कर दूंगी इसमें। मैंने पैन गरम कर लिया है, बटर मेल्ट नहीं होगा, मैं उसमें ही मैदा ऐड कर दूंगी। अब मैदा को थोड़ा अच्छे से सेकना है बटर में। मैं मैदा का यूज़ व्हाइट सॉस में थोड़ा कम ही करती हूँ, नहीं तो ग्रेवी क्रीमी नहीं रहती है। देखिए हमारा मैदा और बटर अच्छे से सिक गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करना है दूध और बराबर कंटिन्यू उसको चलाते जाना है। अब हमने इसमें दूध डाल के अच्छे से इसको कंटिन्यू चलाते जाना है, जिससे हमारी यह सॉस गाढ़ी हो जाए। अब ये देखिए हमारी व्हाइट सॉस गाढ़ी होने लगी है। अब हम इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मेयोनीज डाल देंगे। एक क्यूब चीज का डाल दूंगी मैं इसमें। इससे सॉस बहुत क्रीमी क्रीमी लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसको 5 मिनट्स तक ऐसे ही
गैस पे पकाएंगे, फिर इसको ऑफ करके साइड में कर दूंगी। ये देखिए ये रेडी हो चुकी है। ये ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी होती है, इसलिए मैं अब इसको ऑफ कर दूंगी। मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, इसमें मैं पहले व्हाइट सॉस जो रेडी करी थी वो डालूंगी। ओरिगैनो ऐड करूंगी इसमें, चिली फ्लेक्स वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो आप मत डालिएगा। अब मैं इसमें पास्ता की एक लेयर लगाऊंगी। मैंने पास्ता इसमें सेट कर दिए हैं। अच्छे से एक लेयर जैसी बनानी है अपने को पास्ता की। ये सेट हो गया है। अब मैं एक लेयर इसमें वेजिटेबल की सेट करूंगी। ये देखिए एक लेयर इसमें वेजिटेबल्स की सेट हो गई है। अब मैं इसमें वापस एक लेयर पास्ता की सेट करूंगी। मैं पास्ता की लेयर के ऊपर जो व्हाइट सॉस बनाई थी वो सेट करूंगी। ये अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसमें चीज ग्रेट करके डालूंगी। बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है ये चीज, जिसमें हो वो तो टेस्टी लगेगा ही। मैं अच्छे से चीज सेट कर दूंगी पूरी एक लेयर। चीज की लेयर सेट हो गई है। मैंने इसमें ओरिगैनो डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूंगी और इसको बेक करने के लिए 180 डिग्री माइक्रोवेव में रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। ये देखिए हमारा बेक्ड पास्ता बनके एकदम रेडी हो चुका है। कितना यमी लग रहा है देखने में। अब मैं इसको निकाल के भी बताऊंगी आपको। वाओ कितना टेस्टी लग रहा है, अंदर से जूसी ऊपर से चीजी। ये देखिए का कितना क्रीमी टेक्सचर है, कितना यमी है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरे बेक्ड पास्ता की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय, टेक केयर।